हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे है, संडे छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा एक अपना ओवरव्यू हम अपने टेरेस गार्डन का दिखाते। दोस्तों, काफ़ी डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद अभी थोड़ा सा इस पोजीशन में हमारा गार्डन आया है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा सकूं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं, ये हमारा ओलियंडर का प्लांट है। इस पर देखिए कितने गुच्छे में, डबल पेटल का है ये, इसमें गुच्छों में इसमें फूल आता है। चारों तरफ से मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कितने फूल आए हैं, ये देखिए कितने फूल आ रहे हैं। दोस्तों, इसका गमला देखिए काफ़ी बड़ा है, इसको मैंने अभी रिपोर्टिंग नहीं की है, खाली इसमें थोड़ा सा मैन्योर डाली है। और एक ये देख रहे हैं, ये देखिए हमारा एडेनियम का भी मैंने रिपोर्टिंग की है। ये मीठा नीम है हमारा, ये मीठा नीम है। और व्यूअर्स, मैं इधर से दिखाना चाहूँगा, ये हमारा देखिए मैंने सीड से तैयार किया है। ये लेमन का प्लांट है, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। इधर दोस्तों ये एडेनियम है, ये मैंने रिपोर्टिंग की है। और इधर आप देख रहे हैं, ये हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस है। दोस्तों, मैंने इसके ऊपर अपना एक लिंक डाला है, मुझे बड़ा वो हो रहा था कि पता नहीं ये हमारा पौधा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा प्लांट ये हमारा है, तो इसको मैंने काफ़ी बड़े गमले में इसको रिपोर्ट किया था, रूट बॉन्ड हो गया था। दोस्तों, इसके बाद ये हमारा भी गमला खाली है। ये गमला एक्चुअली जो हमारा जो है ना, नाग चंपा का जो ड्वार्फ आया आजकल, वो उसको लगाने के लिए है। कुछ एडेनियम की सीड्स जिसमें हमने ग्रो किए थे, उसके कुछ प्लांट्स जो है ना बचे हुए थे, मैंने इसमें रिपोर्टिंग कर दिया है। व्यूअर्स, मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कितना लश ग्रीनेस पूरा लदा हुआ है फूलों से। ये हमारा एक बोगनविलिया है, इसी बोगनविलिया से मैंने कई जो है ना दोस्तों प्लांट तैयार किए हैं, मैं अभी सभी दिखाऊँगा। ये बिल्कुल सिक्वेंस रो में लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट है, इसको हम लोग अश्वगंधा है, मेडिसिनल प्लांट है। आप सभी लोग जानते हैं कि अश्वगंधा का क्या क्या फ़ायदा होता है, और नहीं बताए तो व्यूवर्स हमारे कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए एक वीडियो आपको बना दूंगा। इधर देखिए दोस्तों, ये एक हमारा डबल पेटल में ये हमारा बोगनविलिया वाइट है, एक बहुत स्पेशल है। इसमें दो तरह के फ्लावर्स दोस्तों आते हैं, आप देख रहे, ये रेड है, ये देखिए रेड है, इधर नीचे वाइट है, और दूसरा नीचे ये दूसरे कलर का है। इसके कॉम्बिनेशन में देखिए, मैंने अभी देखिए समी का प्लांट रखा है। दोस्तों, ये चूँकि अभी जो है ना ये मार्च स्टार्ट हो रही है, तो अभी जो है ना सब में न्यू बर्ड्स आ रहे हैं, सब कलियां आ रही, पत्तियां आ रही हैं। इधर मैंने दोस्तों एक अपना ये वो लगा रखा है, वार्मिडेंसिस मुलर, ये एलोवेरा वार्मिडेंसिस मुलर है। व्यूवर्स, मैं इधर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा सेक्शन दोस्तों हमने बोनसाई के लिए तैयार किया है। एक 6 साल 5 साल पुरानी हमारी सभी बोनसाई हैं, केवल इसका रिपोर्टिंग बच गया। ये इसका मैंने एक वीडियो लिंक बनाया था, ये आप लोगों को दिखाया था। इधर दोस्तों, मैंने नाग चंपा का देखिए कटिंग से तैयार किया, एक ये रखा है, ये कोने में रखा हुआ है। ये हिबिस्कस का मैंने कटिंग से तैयार किया, इसको अभी मैंने आईसीयू में रखा है, छुपा के रखा है, कहीं डायरेक्ट लाग ना हो। ये दोस्तों एक हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस है, इसमें मैंने कलंचू का नीचे लगा दिया है। एक हिबिस्कस ये मैं बोनसाई के लिए तैयार कर रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारा ये देखिए कितना खूबसूरत, इतना बढ़िया इस पर फ्लावर, हर श्रृंगार का प्लांट है। दोस्तों, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दोस्तों इधर मैं दिखाना, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये देखिए मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, इसका वीडियो मैंने बनाया है। ये देखिए एडेनियम का कितने इसकी ट्रंक देख रहा है, 1 2 3 रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, सारे के सारे हमने जो है ना ये बोनसाई तैयार किया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे चल रहा है बोनसाई। इधर दोस्तों मैं अभी और दिखाना, इधर से घूम के आएंगे, मैं इधर दिखाऊँगा, इधर दोस्तों दिखाते जाए, मैं इधर आ गया था। ये सारा बोनसाई सेक्शन है, इधर देखिए ये हरसिंगार है, इधर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। ये सारे बोनसाई देख रहा है कितने खूबसूरत चल रहा है। देखिए हमारा बनियान ट्री का बोनसाई कितना अच्छा चल रहा है। इधर दोस्तों मैंने ये देखिए यहाँ तक देखिए, सब पूरा हमारा बोनसाई सेक्शन है। ये कलेंची है, देसी कलेंची है। व्यूअर्स, बहुत फूल इसमें आता है, इस समय फूल का सीजन है इसका, काफ़ी फूल इस पे आए हुए हैं। दोस्तों इधर आप देख रहे हैं, स्क्रीन टच करते हैं, इधर देखिए ये हमने जो है ना हमारा एक स्पेशल वैरायटी का नींबू का है, इस पर ढेर सारे नींबू आते हैं, इसको दिखाएं। इधर हम इधर से फिर एक ये देखिए हमारा एक अपराजिता का, बहुत हमारा वास्तु शास्त्र से काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा था, पर अभी पता नहीं क्या हुआ इसको, मैंने
रिपोर्टिंग करके भी तैयार किया है। इधर दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा नीचे से ये सारे के सारे, ये देखिए पिटूनिया है, क्योंकि पिटूनिया है, गर्मी स्टार्ट हो गई है तो पिटूनिया को थोड़ा साइड की ज़रूरत है, मैंने इसको साइड में रखा है। इधर दोस्तों मैंने देखिए ये एडेनियम का जो कटिंग बचा हुआ था, बॉन्ड करके मैंने इसको ये लगाया है। इधर ये हमारा देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया प्लांट है, ये फाइकस का है। एक दोस्तों मैंने इधर से एक और, ये देखिए ये एक मैंने तैयार किया है, देखिए ये देखिए पीपल की बॉन्साई इधर मैंने तैयार की। इधर देखिए एक हमारी ये बॉन्साई तैयार है, ये हमारी बोगनविलिया की, अभी बीच में काफ़ी खिला हुआ था। इधर दोस्तों आप आ जाइए, ये देखिए येलो डबल पेटल, ये 1, 2, 3 ये मैंने कटिंग से तैयार की थी, ये हमारी बोगनविलिया। जितने आप बोगनविलिया व्यूअर्स देख रहे हैं सारे के सारे हमने कटिंग से तैयार, और ये देखिए कटिंग से अभी इस पर फ्लावर आ गए। ये सीजनल प्लांट है, ये एलोवेरा वार्विनेंसिस मोलर है, और ये देखिए हमने कटिंग से फिर एक दूसरा तैयार किया, देखो कितना बढ़िया। ये एमरेलिक लिली है, लिली का है, इसमें बल्ब से तैयार, इसका मैंने एक अपना लिंक बनाया था, देखा था दोस्तों। ये गजेनिया है, 1, 2, 3 ये गजेनिया के प्लांट हैं। ये देखिए सीजनल कितना खूबसूरत इसमें प्लांट आ रहा है, अभी सारी गर्मियों में इसको प्लांट मिलेंगे। ये देखिए हमारे लिली का एक काफ़ी मैंने इसमें लगा रखा था, ये प्लास्टिक का वेस्टेज हमारे पास एक टब टाइप का था, ये बेसिकली ये हमारा जो फिल्टर था वो उसका ब्रैकेट था, उसका नीचे वाला पोर्शन है। एक इधर एडेनियम लगा हुआ दोस्तों, ये देखिए हमने टमाटर का, ये जिसको टमाटो, ये देखिए कितने सारे ढेर टमाटर इस पर लगे हुए हैं, ये देखिए वजन की वजह से ये लटक गया है। एक इसको दो प्लांट्स मैंने इस पर, एक पहाड़ी मिर्च है, मैं दिखाना चाहूँ व्यूअर उधर से, ये देखिए इस पर मिर्च, देखिए उधर से देखिए मिर्च, देखिए व्यूअर्स मिर्च कितनी ढेर सारी इस पर मिर्च लगी हुई है, इसका भी मैंने एक वीडियो आप लोगों को। एक दूसरी तरह की मिर्च ये है, देखिए इसमें गोल गोल निकलती है, ये देखिए गोल गोल इसमें निकलती है, ये गजेनिया का। फिर यहाँ तक आ गए, ये कलंचू हमने बीच में रख रखा था, खाली मेरे गमला था उसी में इसको लगा दिया था। यहाँ दोस्तों मेरा ये बोनसाई सेक्शन है, बोनसाई सेक्शन का ये देखिए पूरा बोनसाई सेक्शन है। इधर आप देख रहे हैं ये भी डबल पेटल में है, हमारा डबल बोगनविलिया है, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो फूल इसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई। ये हिबिस्कस रोजा साइनेसिस है, ये बड़ा प्लांट है, तो मैंने इसको इन जो है ना सीजनल ये मॉर्निंग ग्लोरी से मैंने इसको डेकोरेट किया है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, ये मेरे पास एक मदर प्लांट, इससे मैंने सारे पौधे बनाए हैं, इसको बीच बीच में हम कटिंग करते रहते हैं। अभी थोड़ा सा ये इसकी रूट्स वीक हो गई हैं, जितने भी पौधे आप हमारे रेड वाले देख रहे हैं मैंने इसी मदर प्लांट से तैयार किया। इधर देखिए हमारा एडेनियम है, एडेनियम में फ्लावर शुरू हो गए हैं। इधर येलो वाली वैरायटी का एक बोगनविलिया है, इधर आप देख रहे हैं ये हमारा सभी सीड से तैयार किया हुआ एडेनियम है। इधर आप देख रहे हैं ये देखिए बोगनविलिया है दोस्तों, ये देखिए बोट लिली का मैंने अभी बीच में एक वीडियो बनाया था, तो 1, 2, 3 इसको बीच में लगा के मैंने इसमें रख दिया है, इससे ये देखने में काफ़ी सुंदर बोट लिली का लगता है। एक प्लांट हम इधर दिखाएंगे आपको, ये भी हमारा जो है ना बोगनविलिया डबल का है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये देख रहे कितना खूबसूरत, इसके फ्लावर ही इतने खूबसूरत आते हैं। ये अल्मांडा का देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये। फिर दोस्तों ये पिटूनिया, इधर पिटूनिया आ गया, ये पिटूनिया का प्लांट है, इसमें ढेर सारे फ्लावर काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, अभी बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो दोस्तों कुछ दिन के बाद में इसको सारे जो है ना जो फूल खिल चुके हैं उनको हटा के इसकी प्रूनिंग करके जो है ना प्रूनिंग करने के बाद में इसको छाया में रखूँगा, तो दोस्तों अभी हमें कम से कम 2 महीने इसमें फ्लावर और मिलेंगे। ये भी एक पिटूनिया का है, देखिए दोस्तों एक इधर देखिए, ये देखिए इसमें काफ़ी दिन से करीब 3 महीने से फ्लावर रेगुलर आ रहे हैं, इसको मैं बोनसाई के लिए तैयार कर रहा हूँ। एक देखिए अनदर वैराइटीज़ है दोस्तों, ये कितना खूबसूरत एक अलही टाइप का फ्लावर है, देखिए उधर देख रहे हैं आप, उसमें भी उधर से फूल आने लगे हैं, और इधर ये देखिए थी गुच्छे में, इधर से ये देखिए सारे फूल आ गए, और ये अलग ही तरह का है, इसमें काफ़ी डबल ट्रिपल पेटल का ये हो रहा है। इधर ये देखिए सीजनल प्लांट है,
एक दोस्तों मैंने येलो ये इधर लगा रखा है, ये मैं दिखाना चाहूँगा पूरा। देखिए कितना हमारा बॉन्साई का सेक्शन, धीरे धीरे ये देखिए कितना कितना खूबसूरत हमने पूरा इसको ठीक से सजा रखा है। इधर दोस्तों मैं कुछ एडेनियम के हमारे प्लांट्स रखे हुए हैं, इधर मैं दिखाना चाहूँगा। इधर से देखिए एमेरिक लिली है, ये हमारा हम दोस्तों दिखाना चाहेंगे कुछ हमारे व्यंजन तैयार हो गए, कुछ व्यंजन देखिए लग रहे हैं नीचे। ये देखिए बैंगन का कितना खूबसूरत, कितना हमने ये ग्रो बैग में तैयार किया है। इधर व्यूअर्स देखिए ये शिमला मिर्च है, शायद आप देख पा रहे हैं ये शिमला मिर्च देखिए लगने लगी है। ये देखिए ये इसके 5 पौधे में लाए थे, इसका भी मैंने एक लिंक आप लोगों को शेयर किया था। इधर ये देखिए बैंगन का काफ़ी फूल आ रहा है, इसमें बैंगन लगे हुए हैं। ये देखिए ये मैं दोस्तों दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए बैंगन, ये देखिए बैंगन लगने लगे काफ़ी। उधर पीछे से भी देखो ये भी 2-3 लगे हुए हैं। इधर ये मैंने एक तुलसी माता का ये लगा रखा है, इसमें ये उसके साथ मैंने इसको लगा रहा अजवाइन के साथ में, इसको भी मैंने प्रूनिंग की, इसकी ब्रांच प्रूनिंग करके दी है। इधर दोस्तों एक हमारा स्पेशल वेराइटी का जो है ना गुलाब है, ये आवरा का डावरा इसको बोलते हैं, उसकी वेराइटी है, काफ़ी अच्छा घना काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये दोस्तों एक हमारा दूसरा देसी गुलाब है, ये होवोर्फिया आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये फ्लावर्स देख पा रहे हैं, ये देखिए फ्लावर्स, ये देखिए ये इसमें इस तरह का फ्लावर्स आ रहा है। ये देखिए इसको होवोर्फिया कितना खूबसूरत लोटस के टाइप का होता है। ये हमारी देखिए चीबी प्यारी है, ये हमारी पैट है, चीबी है, ये हम लोग के साथ ही रहती है। इधर देखिए ये गुलाब का, फिर मैंने ये ब्लैकिश गुलाब है, ये इधर गुलाब का दोस्तों मिनिएचर है। इस पर एफिड्स ब्लैक एफिड्स का बहुत असर दोस्तों हो गया था, तो इस पर कमांडो मार्केट में आता है एक केमिकल आता है, साबुन के घोल में इसको डाला है तो पत्तियां अभी कुछ ख़राब हो गए हैं दोस्तों। इसको एक मैंने इधर गुलाब का इधर लगा रखा है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा नीचे से न्यू इसमें ब्रांचेज निकल रहे हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों एक, ये देखिए ये देखिए कितने बढ़िया कितना फ्लावर इसको ये मिनिएचर टाइप का ये देखिए आ रहा है दोस्तों। इधर नींबू का है, इसमें काफ़ी नींबू मैंने पिछले साल निकाले थे और घर के अपने यूज में लिए थे, बहुत सारा देखिए नींबू आता है और बड़ा बड़ा कागजी नींबू होता है दोस्तों। इधर मैंने सीड से तैयार किए हैं ये एडेनियम, मैं पास से दिखाना चाहूँगा। ये मैंने ड्राफ्टिंग की है, देखिए दोस्तों पास से देखिए इसको ड्राफ्टिंग की है, एक यहाँ से ड्राफ्टिंग की है, एक यहाँ से ड्राफ्टिंग की है। व्यूअर्स ये देखिए सक्सेस हो गई है, और देखिए लीव्स आ गई हैं, इधर भी आ गई और इधर भी आ गई। मैंने इस तरह से ड्राफ्टिंग का एक वीडियो अपने लिंक में दे रखा, जिन लोगों को ड्राफ्टिंग के बारे में डिटेल चाहिए जानना हो तो व्यूअर्स मेरे साइट पर जाके सम्मे टेरिस गार्डन में आप देख सकते हैं। इधर दोस्तों मैंने एक रो हमारा साउथ फेस का है, ये पूरा साउथ फेस का होने की वजह से मैंने पूरा ये दोस्तों ये एक एडेनियम का रखा हुआ है, ये देख मैं दिखाना चाहूँगा। सारे एडेनियम है दोस्तों, इसमें 3 और 4 तरह के एडेनियम है, 4 तरह के फ्लावर्स होते हो इसमें, सारे 4 तरह के फ्लावर्स है। व्यूअर्स ये मैं ये देखिए कितना मैंने इसको लोटस के रूप में बनाया है, यहाँ से 2-3 बार कटिंग करके, ये देखिए यहाँ से कटिंग की है फिर घना हो गया ये इसका आप कॉडेक्स दोस्तों देख रहे हैं अभी देखने लायक है। चूँकि अभी फरवरी ख़त्म होकर मार्च में आए हैं तो बहुत सारे दोस्तों इसमें फ्लावर अभी आए नहीं हैं, तो मार्च का ओवरव्यू में आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे एडेनियम प्यारे कितने बढ़िया सा ये चल रहा है। ये देखिए कितने कितने तरह के इसमें वो हमारे वो देखिए सब कितने पत्ते आ रहे हैं। इधर देखिए बहुत सी स्पेशल वेराइटीज़ का, देखिए आप इसको डेजर्ट रोज जैसा इसका नाम है दोस्तों उसी तरह का रोज निकलता है। इसको मैंने 2 प्लांटों पे ड्राफ्टिंग की है, अभी तैयार हो जाएंगे तब हम आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए ये देखिए एक स्पेशल तरह का है, इसका कॉडेक्स दोस्तों देखिए, ये देखिए कॉडेक्स। इधर मैंने कुछ जो है ना सीड से तैयार किए, देख रहे ये सारे मैंने एक एडेनियम सेक्शन इधर बना दिया है। इधर ये सारे देखिए, ये देखिए पूरा इधर एक एडेनियम का देखिए ये रखे, ये दोस्तों देख रहे कितना खूबसूरत इसका कॉडेक्स देख रहे, चारों तरफ से गोल हो गया है। ये 3 साल का करीब 2 साल का प्लांट है, इसको मैंने हैंगिंग करके जो है ना इसको जो है ना डेडिशन करके इसका कॉडेक्स को काफ़ी बड़ा बनाने की कोशिश की है, वो हम आपको व्यूअर्स दिखा रहे हैं। इधर देखिए हमारा एक ये देखिए दोस्तों मैं दिखा, ये देखिए रोज बिल्कुल कितना खूबसूरत चल रहा। इधर येलो जैस्मिन है, इसमें एक बार पूरा फूल आ चुका है व्यूअर्स, दूसरी बार फूल आने के लिए है,
तो अभी देखिए कितने सारे न्यू इसमें वर्डिंग्स हैं, न्यू देखिए कितना फूल आ रहा है। ये 5 दिन में करीब सब फिर दोबारा फूलों से लग जाएगा। इधर देखिए एडेनियम और रखे हुए हमारे कुछ प्लांट, इसका कॉडेक्स देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये देखिए एडेनियम का ये दिख रहा है। इधर इधर भी एडेनियम दोस्तों मैं इधर आपका इधर ये नांग चंपा का है देखिए, इसको मैंने कटिंग की थी, इतना खूबसूरत है इसका फ्लावर, इतना अच्छा महकता है। दो एडेनियम दोस्तों मैंने इधर रखे हुए हैं, इधर दो एडेनियम, ये दो एडेनियम रखे हुए। ये इधर देखिए ये दोस्तों देख रहे हैं आप, ये हमारा ये जेड प्लांट है, मैंने इसको बोनसाई बनाया है, इसमें सब न्यू किल्लियाँ आ गई हैं देख रहे हो, इसको इसका मैंने बोनसाई बना के यहाँ पे रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। इधर दोस्तों मेरा ओलियंडर का प्लांट है, अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और एक इधर दोस्तों मैं इधर ओवरव्यू एक बार दिखा दीजिए जरा सा हमारा प्लांट का। दोस्तों अगर ये आपको हमारा छोटा सा गार्डन मैंने प्रयास किया है, छोटा सा गार्डन मैंने दिखाने की कोशिश की है जो हमने मेंटेन किया है, प्लीज़ जो है ना हमारा लिंक में ज़रूर बताइए कि हमारा छोटा सा प्रयास कैसा रहा है, आप लोगों को कैसा लगा है। अगर ये अच्छा लगा हो प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइब करके ऑल पे बटन दबा देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, और जो भी हमारा वीडियो बनेगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उसका देख के फ़ायदा उठाएं। अगेन दोस्तों प्लीज़ जो नए हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, वंदे मातरम।